सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. और अन अकेडमी के हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. मैंने मैक्सिमम अल्ट्रा मैराथन्स ले लिए हैं, मैराथन सेशंस ले लिए हैं आपके साथ. बहुत कुछ आपको बता दिया है जो कि आपको एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने की ज़रूरत क्यों है आपके लिए? एक तो उसको समझेंगे शॉर्ट में, और साथ में बहुत सारे लर्नर्स की, मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं NTUC नेट की, उन्होंने ये बताया कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर्स को करवाइए, क्योंकि सारा का सारा पेपर जो है कहीं पर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिल पा रहा. तो ये इनिशिएटिव मैंने लिया है और कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप समझें और जाने कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट. और आगे बात करेंगे NTUGC नेट के बारे में, जो कि आपका एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है आपके लिए, और जहाँ पर मैक्सिमम बेस्ट एजुकेशन आपको दी जा रही है, ताकि बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ आप यहाँ पर बेहतर एजुकेशन लेकर आगे बढ़ पाएँ. परफेक्शन की बात की जाए तो आपका जो इनिशिएटिव है, हमारा जो इनिशिएटिव है, आपके परफेक्शन को आप काफ़ी एनहांस करता है. कोशिश यही है कि हम बेस्ट आपको दे पाएँ. और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये मेरा कोड है जो एप्लीकेबल है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए. अब तक 2+ के बैच में लॉन्च कर चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है, और 2+ के बैच मेरे खत्म हो चुके हैं. तो उसको आप देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर MCQs मैंने कवर करा रखे हैं. और तीसरा जो बैच है मेरा, वो 11th of October से स्टार्ट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे. पेपर 1 जनरल टू ऑल है हमारा. हिस्ट्री की क्लास आपको पता ही है, रोज 11 बजे सुबह होती है यहाँ पर. ठीक है, तो उसको आप देख ही पा रहे हैं साथ में, फाइन. और साथ में यहाँ पर आइकॉनिक और प्लस की अगर बात की जाए, तो काफ़ी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों के दोनों सेशंस, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल कोचिंग के साथ साथ यहाँ पर एक बेहतर जो प्रिपरेशन होती है हर चीज़ के लिए करवाई जाती है. SRS 10 जो कोड रहेगा आपका एप्लीकेबल है दोनों बैचेस के लिए, पेपर 1 पेपर 2, प्लस के बैच के लिए भी, स्पेशल क्लासेस के लिए भी. यूट्यूब पे तो आप आ ही रहे हैं, तो उसको आप देख पा रहे हैं. आइकॉनिक में भी सेम प्रोसीजर्स हैं आपके. SRS 10 का कोड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके लाइव टेस्ट की सीरीज की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप चेक कर पाते कि आपके एनहांसमेंट क्या है, राइट. प्राइस हाइक अलर्ट चल रहे हैं, तो उसको आप देख पाएंगे. बेस्ट एजुकेशन के लिए हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको देखिए आप एक बार, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा. 4th of October हमारी डेट थी, अब शिफ्ट हो गई है 11 अक्टूबर की तरफ. तो पेपर में जरूर आप अटेम्प्ट दें, 8 बजे है 11 अक्टूबर को, और देखें कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. प्राइस सेकेंडरी हो जाता है हमेशा, जब अगर आपका मोटिवेशन हाई लेवल पे रहे. कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं जो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको आप जो है बताएं, हमें फीडबैक दे सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉलो कर लीजिए मुझे. स्पेशल क्लास में लिंक है इसका, राइट. और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे इसकी खास बात है. और अगर बात की जाए यहाँ पर अपकमिंग सेशंस की, तो आपके डिमांड पे अभी ये चल रही है. पहले प्लान थी कि मुझे क्या करवाना है, तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करवा दिया है. बट अब आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, आपको मुझसे क्या पढ़ चाहिए, वो बात अलग है कि मैं सब कुछ आपके ओपिनियंस को साथ में लेकर आगे बढ़ रही हूँ. रिकॉर्डेड की बात की जाए तो इतना ही आप कर लीजिए, हिस्ट्री के लिए काफ़ी है, आपका JRF क्वालिफाई बहुत आराम से हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो की क्या है भाई, देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिमिटेड होती है. ठीक है, मैंने बार बार आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपका, अगर UGC नेट के अप्रोच की बात की जाए, तो पेपर में आपका 70 से 30 का रेशियो आता है. ठीक है, तो उस 30 में से भी आपके जो 10 से 15 सवाल होते हैं, हार्डली 10 से 15 सवाल आपके आते हैं फैक्ट से ऊपर, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं. इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए, आप पेपर के अप्रोच को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, उसको समझने के लिए हम पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट रहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स. और आपको ध्यान में क्या रखना है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, राइट. हिस्ट्री में डिफाइंड करें फैक्ट्स को कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है. कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल आ रहे हैं. अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई अशोक गद्दी पर कब बैठे थे. अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जब अशोक गद्दी पर बैठे, तो मगध की, सॉरी मौर्यन एम्पायर के समय में सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे एनहांस कर रही थी. और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. और मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
और प्रॉपर गाइडेंस जो है एक अच्छा सोर्स का काम कर सकती है, और अनअकैडमी हमेशा आपको टाइम टू टाइम अच्छा गाइडेंस दे रही है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो देखिए सवाल आपका पूछा है माइक्रोलिथिक पीरियड से, मेसोलिथिक पीरियड से, और ये कह रहे हैं कि मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, राइट वन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन फेजेस की बात करते हैं, अगर हिस्ट्री को अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री में हम यहाँ पर पैलोलिथिक की बात करते हैं, मिजो की बात करते हैं, साथ में नियो की बात करते हैं। तो पैलोलिथिक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो लाइफ है हमारी वो नोमैड के ऊपर, यानी कि 6 महीने यहाँ पर हैं, 1 साल कहीं और पर टिक गए तो ऐसे जीवन काट रहे हैं। मिजो में आप क्या देखते हैं, मिजो में हम ये देख पाते हैं कि भाई जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं उसमें आपने एग्रीकल्चर भी कर लिया, छोटे छोटे औजारों को भी बना लिया, और आपने ये भी सीखा कि सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा लाइफ स्टेगनेंटी जो है, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आनी इंपॉर्टेंट है। अब नियो क्या कहता है, नियोलिथिक ये कह रहा है कि भाई आप कम से कम जो है अब शिकार करना छोड़कर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करें। शिकार करना यानी कि नियोलिथिक पीरियड में क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, देखिए सही जवाब क्या है इसका। तो सामान्यतः लघु पाषाणिक औजारों की बात कर रहे हैं, बागोर है, जंगली पालतू पशुओं की बात हो रही है, हड्डियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शैल चित्र की बात हो रही है, तो इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर वन जो है आपका ये वाला, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, यानी चारों के चारों सही है, 1 2 3 4, चारों के चारों सही है। क्या है माइक्रोलिथिक में, मिजो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने बताया भी आपको कि जनरल फाउंड होते हैं छोटे छोटे पत्थर, माइक्रोलिथिक होता है, जैसे मछली को मारना है, अगर मैं यहाँ से कोई 10 किलो का पत्थर उठाकर अगर आपके ऊपर फेंकूंगी तो उसके कितने परसेंट चांसेस है कि आपको वो सही निशाने पर लगेगा, राइट। बट अगर ये पेन उठाकर मारूंगी तो शायद हो सकता है कि सही निशाने पर लग जाए, फाइन। तो फर्क है दोनों में, बागोर है, लंगराज या भीमबेटका, भीमबेटका जो अपने चित्रकारी के लिए मशहूर है, बागोर लंगराज को आप जान ही रहे हैं। एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स क्या है वहां पर पाए जाते हैं, रॉक पेंटिंग की बात वहां पर की जाती है, जैसे कि भीमबेटका काफी अच्छा खासा एग्जाम्पल रहा है इसका। ठीक है, तो एक जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट। ये देखिए मैप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हम यहाँ पे हड़प्पा की बात करें, लाहौर है यहाँ पर, ये आप इंडस वैली देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा जा रहा है यहाँ से, अफगानिस्तान है यहाँ पर, पाकिस्तान की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, मकराना कोस्ट है ये आप देख ही रहे हैं, रण ऑफ कच्छ की गुजरात की बात हो रही है यहाँ पर, लोथल फोर्ट एरिया है आपका। ठीक है, तो काफी हद तक आप देख पा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं आपके, जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। यहाँ पर एक नोटबुक पर लिख लें आपकी पैलोलिथिक साइट्स कौन सी है, नियो कौन सी है, मेगालिथिक साइट्स कौन सी हैं, अर्ली विलेज कौन सा है, मॉडर्न सिटीज कौन सा, ताकि काफी हद तक आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर है आप, सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राफ के टीले के लिए नहीं जाना जाता। सवाल रिपीटेड है, 2 3 बार आ चुका है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का माना जाए तो गलत नहीं होगा। कह रहे हैं कि कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात हो रही है, नॉट नॉन फॉर एश माउंट्स की बात हो रही है, तो देखिए सही वाला कौन सा है, बुरजोहम कश्मीर वाले की बात कर रहे हैं, तो रात के टीले की बात हो रही है, तो 2 आपका सही हो जाएगा जो मैंने बताया भी अभी अभी आपको। ठीक है, यहाँ पे पालवाई जो होगा बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, आप देख पाइए निम्नलिखित साइड से सारे के सारे, बुरजोहम कश्मीर वाला है, चिरान बिहार वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बुंदेलखंड जो आपका वेस्ट यूपी में है, ठीक है, जो अब यहाँ पर काफी ज्यादा सूखा ग्रसित क्षेत्र माना जाता है। कुरनूल आप देख रहे हैं, हुसंगी आप देख रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट साइट्स ऑफ एनटीए, सवाल बार बार यहाँ से बनता है, मैंने बार बार कहा है कि इसको देखिए साइड से क्या कुछ मिला है, सवाल वहीं से बनेंगे आपके। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल, मैंने आपको बताया शुरू में कि देखिए ये वीडियो जो है आपकी रिकॉर्डेड जा रही है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग, मुझसे रिकॉर्डेड में एक्सपेक्टेशन ना करें कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रही, मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के नीचे आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, मैं वहां पे हर एक बच्चे के कमेंट का जवाब वहां पर दूंगी, तो आप इसको देखें। कह रहे हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिला है, राइट, स्क्रिप्ट की बात हो रही है, ह्यूज अल्फाबेट्स की बात हो रही है, तो धोलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है, बनावली है, कालीबंगा है, सारे के सारे जो हमारे सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा कॉमेंट बॉक्स में, सवाल नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर है। तो देखिए कह रहे हैं बनावली, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, 4 ऑप्शंस है, सारे के सारे किसके पार्ट है, मेचोर हरप्पन के पार्ट है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को,
राइट, तो देखिए बी विल बी द राइट आंसर, धोलावीरा जो हो जाएगा आपका काफी सही जवाब यहाँ पर माना जाता है, जो धोलावीरा की हम बात कर रहे हैं, ये रहा आपका धोलावीरा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। तो देखिए मैच्योर हरप्पन पीरियड की बात है, आप ये देख भी पा रहे हैं मैच्योर हरप्पन का पार्ट है सबका सब। तो हरप्पन का जो जितना भी पार्ट है वो आपको डिसाइड किसमें किया गया बाय फर्केट, ये आपका अर्ली है, ठीक है, ये आपका प्री वाला है, ये मैच्योर है, ये आपका कौन सा है, लिटल है। तो अर्ली में क्या था, लाइफ कैसी थी, नोमैड थी, घूम फिर कर जीवन जी रहे थे। यहाँ पे प्री में आपने क्या किया, आप रूरल की तरफ आगे बढ़े। मेच्योर में क्या किया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन देखने को मिलती, सेकंड वाली कहाँ पे है, 600 BC वाली आयरन एज में। और लेटर में क्या होता है, लेटर में आप देखते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप देख पाएंगे। अब मेच्योर वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, मेच्योर वाले में आपके लिए हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा ही बनेगा, 200% बनेगा, बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से क्या मिला है। मोहनजोदाड़ो के ऊपर सवाल बन सकता है आपका, इकोनॉमी वाले पार्ट के ऊपर, ग्रेन्स की जो हम बात करते हैं। धोलावीरा के ऊपर सवाल बनेगा ड्रेनेज सिस्टम से, राइट, लोथल से बनेगा, डॉकयार्ड से, राखीगढ़ से सवाल बनेगा कि वहां से क्या कुछ मिला है साइड से, ठीक है, बनावली जो हरियाणा वाला है वहां से सवाल बनेगा आपका। तो मैच्योर हड़प्पन के जितने साइट्स हैं आप खासकर ध्यान रखें, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, बनावली, सुतकोडा, सवाल यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, तो मिस मत कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए महाजनपद कैपिटल्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, महाजनपद पीरियड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अप्रोच है हमारा, सवाल का जवाब देंगे आप, मैं तब तक एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान देती हूँ, आप थोड़ा सा सवाल को पढ़ें और जवाब दें। ध्यान रहे, ये कह रही है रॉन्गली मैच्ड है, गलत वाला कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि खास करके महाजनपद वाले पीरियड में, तो हम पहले कहाँ जाते हैं, हम पहले प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर हम शिफ्ट होते हैं, कहाँ पे शिफ्ट होते हैं बाद में, हम शिफ्ट होते हैं बाद में अर्ली वैदिक फेज में, फिर लेटर वैदिक फेज में शिफ्ट होते हैं, फिर हम शिफ्ट होते हैं महाजनपद वाले में, फिर मगध वाले में, फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर आयरन एज के साथ साथ सेकंड अर्बनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं, फिर आते हैं हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। तो क्या है, कैपिटल एंड महाजनपद हमेशा से इंपॉर्टेंट है, और कमेंट करके आप मुझे बताइए, जो मैं बाद में देखूंगी रिकॉर्डेड वीडियो समाप्त होने के बाद, कि जो आपका कौशल है और जो आपका मगध है, ये आपके रिपब्लिक थे, ठीक है, ये आपके मोनार्क थे, ये बताना है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब सवाल का सही जवाब देखिए क्या है, ए है सही जवाब आपका, ए यहाँ पर, कि जो पांचाला है उसका मथुरा नहीं है, तो पांचाला का क्या है ये बताएंगे आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में। देखिए ए जो है आपका सही जवाब है यहाँ पर, राइट, आप देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है आपका, दिल्ली दोआब, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा और यमुना की बात कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट कौन सा है पूरा का पूरा आपका, ये गैंगेटिक रीजन है आपका, राइट, ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और ये वाला कौन सा आपका, अरेबियन सी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है कोरिलेशन है, तो ये वाला पार्ट कौन सा था जहां से आर्यन आते हैं इस यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है, एकेडमिक एम्पायर को आप देख रहे हैं, ये भल्लिका यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो भल्लिका क्या था यहाँ पर पहले, बल्क जो आपका प्रेजेंट वाला बल्क है, ये आपका भल्लिका था पहले, जो ये क्या कहता है, ये दर्शाता है कि बाहरी इलाके हैं जो पूरे से पूरे आर्यनों के आने से पहले, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो फाइन एवरीवन, तो यहाँ पर क्या था आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट कैसे हो रहा है, देखो नॉर्थ वेस्ट से कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, घोड़े वोड़े लेकर मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर क्या था, पेड़ काट नहीं पाए, क्यों नहीं काट पाए, क्योंकि उनके पास आयरन नहीं था, तो आयरन को लेकर कहाँ शिफ्ट हुए यहाँ पर, देखिए 600 BC में कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, गैंगेटिक रीजंस में, लोहा कहाँ मिल रहा है, मगध वाले पार्ट में, छोटा नागपुर में, और अवंती के पास भी लोहा है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग जो है पार्ट माने जाते हैं मगध और अवंती हमेशा की तरह। सवाल देखिए इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में ही सवाल है, मैच ही फॉलोइंग करने हैं, तो आप देख सकते हैं, योग, कपिल, मीमांसा, पतंजलि, सांख्य, कुमारिल, वैशेषिक या कर्णवाद, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, या तो आपका आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड की फैक्ट में क्या सवाल आपका आएगा, या फिर आता है कि सही वाला सवाल का जवाब कौन सा है, राइट, तो बताना आपको सही वाला कौन सा है, देखिए सही वाला कौन सा है, दर्शन शास्त्र समर्थक योग पतंजलि के हो जाएंगे, सीधी सी बात है, तो जब योग पतंजलि के हो जा रहे हैं यहाँ पर, तो एक का 2 हो जाएगा, तो एलिमिनेट कर दें इसको, बच गए आपके 2 और 3, ठीक है, और आप देखिए सांख्य और आपका वैशिष्ट्य की बात हो रही है, ठीक है, तो सही जवाब देख लेते हैं आपका, दोनों में से सही वाला कौन सा होगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, बी जो होगा आपका सही जवाब है,
यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2, 3, 1 और 4 की, तो ये क्या है, ए बी सी और डी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 क्या है यहाँ पर, ए क्या है, फाइन। ए क्या है यहाँ पर, ए है 2 पतंजलि, फाइन। बी का यहाँ पे क्या है, 3 की हम बात करें कुमारिल की है, सांख्य क्या है, कपिल की है, और वैशेषिक क्या है, प्रणाद की है, ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका क्या है, कंटक शोधक, अर्थशास्त्र से सवाल पूछा गया, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, काफी अच्छा सवाल है, मॉडर्न पीरियड से सवाल हमेशा आपका कहाँ से बनेगा, ध्यान रखें इस चीज का, मॉडर्न पीरियड से सवाल कहाँ से बनेगा आपका, ध्यान रखें इस चीज का, टर्म से सवाल बनेगा, ठीक है, या बनेगा अशोक के एडिक्ट से, या फिर सवाल कहाँ से बनेगा आपका, इकोनॉमी वाले टर्म से, तो बताइए क्या सही जवाब होगा आपका। डिपार्टमेंट्स वॉज कंटक शोधक कंसर्न, इंडस्ट्रीज हो नहीं सकता, न्यायपालिका है, टैक्सेशन है, टोल्स है, तो ध्यान रखें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जुडिशरी विल बी द राइट आंसर, यानी जो न्याय है उसकी बात हो रही है, ठीक है, कंटक शोधक शब्द प्रयोग होता है। देखिए अगला सवाल है आपका, विष्टि, भाग, कर, प्रणय की बात हो रही है, बताइए हम इसमें से मैच कौन सा नहीं है, नॉट मैचेबल की बात, रॉन्गली मैच्ड की बात हो रही है, तो विष्टि क्या है यहाँ पर, फोर्स लेबर है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। भाग क्या है, स्थानीय कर है, ये वही भाग है जो अर्ली वैदिक में क्या था आपका, बलि, बाद में क्या बनता है, भाग, कौन वसूलता है, भाग दुहा, कहाँ वसूलता है, लेटर वैदिक फेस में, बलि क्या था हमारा यहाँ पर, मैंडेटरी था पहले, पर यहाँ मैंडेटरी नहीं था, कब, अर्ली वैदिक फेज में, मैंडेटरी कहाँ हो गया, लेटर वैदिक फेज में, राइट, तो इसको ध्यान में रखें। कर क्या है, टैक्सेशन है, तो सही वाला कौन सा हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, तो बी क्या कह रहे हैं आपका, भाग जो है स्थानीय कर है, इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या है, गलत हो जाएगा। अब बताएं कमेंट बॉक्स में भाग क्या है, जो लोग इकोनॉमी से इसको कोरिलेट कर पाएंगे, दे कैन आंसर द क्वेश्चन कि भाग क्या है, बी विल बी द राइट आंसर। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ बौद्ध बुद्धिज्म, स्थापत्य कला, 2017 के बाद सवाल इस पर बना नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज का, पर फिर भी चांसेस हैं इस बार कि इस बार स्थापत्य कला पे सवाल आपका बन सकता है, जिसमें हम मथुरा आर्ट की बात कर लें, अमरावती की बात कर लें, और मैं इसको करवा चुकी हूँ आपको स्पेशल क्लास में भी और आपका रिकॉर्डेड सेशंस में भी, तो देखिए जाकर इसको, जरूरी है, ठीक है। सोसाइटी आपकी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, आर्ट और आपका कल्चर इंपॉर्टेंट है, दिल्ली जो आपका सल्तनत है उसका, मुगल की बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बौद्ध स्थापत्य कला क्या है भाई, कौन सा नहीं है, ठीक है, अंड नहीं है इसमें, छत्र नहीं है, मेधी नहीं है, यहाँ पे अंतराल नहीं है, ये देखिए ये आपका स्तूप है, ठीक है, एलिवेशन नजर आ रहा है आप लोगों को, अंड नजर आ रहा है, ठीक है, हर्मिक की बात यहाँ पर हो रही है, आप देख ही पा रहे हैं, और ये आपका तोरण द्वार है, यहाँ पर यक्ष और यक्षियों की क्या है, तस्वीरें नजर आती हैं, तोरण वेदिका की जो हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लियर क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये आप समझ पा रहे होंगे, हर्मिका है यहाँ पर, अंड है ही यहाँ पर, तोरण द्वार की बात, ये देखिए ये जो पिक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये यक्ष और यक्षियों की मानी जाती हैं, ठीक है, इस इनको देखिए, इनको हम देख पा रहे होंगे बेहतर तरीके से, स्तूप की बात हो रही है, मेधी की बात, इसको मेधी बोलते हैं, और ये क्या है हमारा, एनक्लोजर वॉल है, राइट, जो हम बाढ़ जिसकी हम जिसको हम बोलते हैं, घेराबंदी करना किसी चीज की, ठीक है, ये देखिए आप ज्यादा और क्लियर देख पा रहे होंगे, वेदिका की बात हो रही है, ये मेधी होता है, प्रदर्शिका है, पाथ की बात हो रही है, हर्मिका है, अंड है, तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम पिक्चर है, दोबारा से दिखा रही हूँ आपको, देख पा रहे होंगे, देखिए सवाल नंबर 9 है आपका स्क्रीन के ऊपर, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आप बताइए जरा, व्हाट इज द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, तो डी क्या नहीं है, अंतराल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बुद्धिज्म, क्या है, आर्किटेक्ट का पार्ट नहीं है, बाकी कौन से, मेधी, अंड और छत्र, तीनों के तीनों यहाँ पर पार्ट है, राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। कुषाण काल, देखिए कुषाण पीरियड क्या है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, इशू करता है सिल्वर कॉइन्स को, फ्लरिश करता है, पेट्रोनोज करता है, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर अप ऑफ बंगाल करता है, बताइए कुषाण काल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कॉइन्स की बात करेंगे तो गंधार कला फलती फूलती है, जहाँ पे बुद्धिज्म की हम बात करते हैं, मैंने गंधार और अमरावती का नाम भी लिया है, सवाल का जवाब देना है कॉमेंट बॉक्स में, बताइए सही जवाब आपका बी होगा, ध्यान रखें इस चीज का, तो बी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गंधार कला का फलना फूलना, यानी बुद्धिज्म की बात यहाँ पर हो रही है काफी हद तक, तो उसको आप देख पा रहे होंगे।
ठीक है, ये कॉइन्स देखिए स्क्रीन के ऊपर है। अब इन कॉइन्स को देखेंगे आप, और गोल्डन जो आपका एज है गुप्ता पीरियड का, उन कॉइन्स को देखिए, आपको काफी डिफरेंसिएशन नजर आएगा। गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स हैं वो ज्यादा यहाँ पर पॉलिश्ड हैं, रादर जो आपका बी यानी कि जो कुशान वाला पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि काफी सारा जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें आपको सोल्जर टाइप कुछ नजर आ रहा है, जैसे कि हम ग्रीक में अलेक्जेंडर की बात करें तो कुछ फॉरेनर जो हमारे इन्वेडर होते हैं उनकी तरह से कुछ तस्वीर नजर आ रही होंगी। तो डिफ्रेंसिएशन है काफी हद तक। ठीक है, त्रिशूल नजर आ रहा है आप लोगों को, कुछ देख पा रहे होंगे आप, तो देखिए ये है आपका गंधार कला। ठीक है, यस गंधार कला की बात कर रहे हो। इसकी पॉलिशिंग को आप देखिए, और मथुरा आर्ट जो मैंने रिकॉर्डेड सेशंस में पढ़ा है उसको आप देखिए, काफी फर्क है दोनों में। मथुरा आर्ट कैसा है, जहां पर हम रेड जो आपका स्टोन होता है उसका प्रयोग करते हैं और फिनिशिंग अच्छी नहीं होती उसके, पर यहाँ पर ये जो आपको हालो नजर आ रहा है ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने देखा होगा ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को, उनका हालो, या फिर मैरी को देखा होगा, उनको भी ये हारो नजर आता होगा, या आज के जो देवी देवता हैं उनके पीछे भी ये आपको सर्कल नजर आएगा, जो क्या डिपिक्ट करता है कि आई एम अ गॉड, जो बुद्धिज्म में भगवान महात्मा बुद्ध ने खुद कभी नहीं कहा। ठीक है, तो भगवान किसने बनाया है, हम लोगों ने बनाया उनको। तो इसको आप देखिए, ये जो इनका वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस है, कितनी ज्यादा यहाँ पे फिनिशिंग है, आपको एक एक जो नजर आ रही होगी जो क्रीज है नजर आ रही है आपको, काफी अच्छे से नजर आ रही है। पैरों की उंगलियां आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर स्क्रीन क्लियर है, फोन को लैंडस्केप मोड में अगर घुमा लेंगे तो ज्यादा बेहतर देख पाएंगे। बाल जो कर्ली शो कर रहे हैं, ओके, और इसकी पेंटिंग्स को देखिए जो नीचे बने हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा, गंधार और मथुरा, तो मथुरा कौन सा, इंडियन टच में बना है, ये कौन सा है, ब्लैक मार्बल की बात हो रही है, तो किसमें बना है, गंधार वाले आर्ट में। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, दोनों करवा रखे हैं रिकॉर्डेड सेशंस में और प्लस के बैच में भी। ये मथुरा आर्ट है आपका, देखिए। ठीक है, ये कर रहे हैं यक्ष और यक्षिणियों की बात हम करते हैं दोनों तरफ, और इनको देखिए आप, जो लायन की फोटो नजर आ रही है आपको, दो तीन है यहाँ पर। ठीक है, अब इनका देखिए, इनको देखिए, ये मथुरा आर्ट वाले हैं, हिंदी में लिख दे रही हूँ, मथुरा कला, यही ना। अब इनको देखिए, है फर्क, ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप। ये कनिष्क की जो बिना सर की मूर्ति है, काफी फेमस है, मानी जाती है, सवाल इसके ऊपर आ चुका है 2015 में, उसके बाद नहीं आया है। ठीक है, देख पा रहे हैं, कनिष्क की तस्वीर है ये, तस्वीर तो देख ली आपने। इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, भारी भरकम वस्त्र पहने हुए हैं, तलवार ले रखी है हाथ में, तो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, सोल्जर, कि हम एक जो है अच्छे खासे सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या डिपिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी एनहांस हो रही है, तो क्या होगा, आर्मी को लेकर आएंगे, तो इकोनॉमी में क्या है, ट्रेड इनके पास अच्छा खासा है, तभी तो यहाँ पे कॉइन्स रिलीज हो रहे हैं, तभी तो यहाँ पर आर्ट को यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो आप ट्रेड कैसे करोगे, इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दोगे, और कैसे आप आर्ट को बढ़ावा दोगे, राइट? तो क्या है, इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच है, आपस में जुड़े हुए हैं सबके सब, तो ट्रेड क्या काम करता है, स्टैंडिंग आर्मी लेके आ रहा है, तो मेंटेनेंस कर रहे हैं चीजों को, फाइन, तो समझिए इस चीज को। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ओके, सवाल नंबर 10 पढ़िए, कलिंग के शासन के बारे में बात हो रही है, कलिंग के शासन के बारे में बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि हाथी को मुझे अभिलेख से पता लगता है क्या, जिन्होंने जैनिज्म को पैटर्नोज किया बाद में, तो कह रहे हैं कि ही वाज़ द रूलर ऑफ कलिंग थे, डिस्क्राइब करते हैं हिमचल को एज अ क्या करते हैं, महामेघवाहक, राइट? और तीसरा कहता है कि ही कन्वर्टेड अ काउंसिल ऑफ जैन स्कॉलर्स, उसके मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया गया, तो इसकी बात कर रहे हैं, हाथी को अभिलेख की बात कर रहे हैं, तो डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब है, डी क्या कह रहा है यहाँ पर, कि भाई एक दो और चार, एक दो और चार, जो आपका एक है दो है चार है, यानी तीन नहीं होगा, बाकी सबके सब है, कलिंग के शासक भी थे, महामेघवाहन भी थे, साथ में नहर भी खुदवाई थी। ठीक है, और हाथी कुंभ अभिलेख में
जो आपके राजा खारवेल थे, इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहरों को खुदवाया और सिंचाई को, इरिगेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया आगे से। ध्यान रखिए इस चीज का। फाइन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल आपका। और जो यहाँ पर पिक्चर में आपको जो यहाँ पर देखिए कुछ नजर आ रहा है, कुछ स्क्रिप्ट नजर आ रही है, लिपि, ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये लिपि अशोक के रोग एडिक्स से ली गई है, इस लिपि का नाम क्या है, ठीक है, ध्यान रखें। और जो आपका शहबाजगढ़ी है वेस्ट अफगानिस्तान वाला, वहां से है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी है ये। सबके जवाब देखिए आने चाहिए, रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि मैं कमेंट तो नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बट इट्स अ हम्बल सबमिशन। अब आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कोशिश कीजिए हर सवाल का जवाब दे, और आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पे बता भी है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। कॉमेंट करके बताएं जो लगता है कि कंफ्यूजन है सवालों में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, बताइए क्या है ये सवाल। मुझसे पूछा था शशि ने कि प्रदीप ने पूछा था मुझसे, ओके, कि अंकुश ने, शायद अंकुश ने पूछा था कि मैम इसको करने की नीड है कि नहीं है। तो एक सवाल यहाँ से आता है, वो भी आना बंद हो गया। तो किताब जो है ये आपकी, ये किसने लिखी थी, अपने आप में भी डिबेट का विषय है, विवाद का विषय है, इसलिए इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिलती है। तो बताइए कि सही वाला जवाब कौन सा है आपका। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। कोलची कमर, पोदुक, दक्षिण भारत का पत्तन की बात हो रही है, हाथी दांत, दोरसाने की बात हो रही है, कोलंदिया, मसाले और मुजरिस की बात हो रही है, दक्षिण वाले की, तो बताइए सही वाला कौन सा है। तो ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा है, एक, दो और तीन, चार गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। ये देखिए ये है आपका, अगर आपको एथेंसी समझ में आ रहा है, ये इंडिया वाला पार्ट है पूरा का पूरा। थोड़ा सा आप इसको फोन को जूम करके देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके सारे के सारे पोर्ट एरियाज हैं, यहाँ पे आपका मगध था पहले, चंपा का वाला पोर्ट यहाँ पे था, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है, और ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो यहाँ पर नजर आ रही हैं चीजें आपको, यहाँ से आप कर पा रहे होंगे, देखिए, ठीक है। क्लोथ जो था आपका, क्लोथ की बात करें यहाँ पे, गोल्ड की बात करें, वाइन की बात करें, स्पेसिस की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, प्रीशियस स्टोन्स की बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हब एरिया था। क्यों था, कोस्टल रीजन था, यहीं पे आपके पल्लवास थे, चेरास थे, पांड्यास थे, आपके साथ वाहन थे, डेक्कन वाला पार्ट है आपका पूरा का पूरा, यहीं पे आपका आईवीसी वाला लोथल रहा है, राइट, जो हम बात करते हैं सौराष्ट्र की बात, गुजरात की बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम शक्तियां कहाँ बसी हैं, आकर नदी के किनारे। सवाल देखिए, ये आप ज्यादा क्लियर देख पा रहे होंगे, ये आपका दोरसाना है जी, जो हाथी दांत की आप बात कर रहे थे, ओडिशा वाला, ठीक है। सिथियन है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये दक्षिणापथ है आपका पूरा का पूरा, तो आप देखिए स्क्रीन पे। मैप कहाँ मिलेंगे सारे के सारे आपको, टेलीग्राम के चैनल पे। सवाल नंबर 12 देखिए, मैच करने हैं भाई आपको, लेखक पुस्तक कौन से है, यहाँ से सवाल हमेशा आते हैं आपके, और मैंने आपको बताया भी है कि सवाल इंपॉर्टेंट भी है आपके, दंडिन भास, हिमाद्री या फिर भवभूति की बात हो रही है, तो प्रतिमा नाटक है, चतुर्वर्ग चिंतामणि है, दशकुमार चरित्र है, उत्तर चरित्र मानस है, तो बताइए सही वाला कौन सा है। दंडिन, दंडिन से दशकुमार चरित्र काफी हद तक यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, भवभूति को देख पा रहे हैं आप, हिमाद्री भास, देखिए सही जवाब क्या है, सी विल बी द राइट आंसर, हिमाद्री की बात कर रहे थे हम, ठीक है, इसकी इसको मैं बता रही थी आपको। तो सी क्या है आपका, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, तो देखिए इसका तीन हो जाएगा, एक है, दो है, और यहाँ पे चार हो जाएगा, ये मैथ द फॉलोइंग है इसके सही वाले। तो ए का क्या है, तीन है, मैंने बताया आपको ये ए है, राइट, बी का वन है, सी का दो है, ठीक है, और हिमाद्री का चतुर्वर्ग चिंतामणि है, डी का क्या है, फोर है, भवभूति का उत्तर रामचरित्र, ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन के ऊपर देखिए, फाहियान, चंद्रगुप्त,
टू के समय भारत आया, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त टू को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। ये सवाल डिबेटेबल हमेशा रहा है हमारे बीच में, और रिकॉर्डेड सेशन जब खत्म हो जाएंगे तब मैं डिस्कस करूंगी लाइव में आपके साथ कि क्यों अर्थशास्त्र के ऊपर भी सवाल हमारा आया था, उसके ऊपर भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, स्पेशल वाली क्लास में भी इसमें भी कंफ्यूजन है। इसका सही जवाब पहले देखे क्या है, फिर बता दूं क्या कारण है। सी सही जवाब है, इसको कह रहे हैं कि ए सही है पर आर गलत है, बताओ क्यों है अपने आप में डिबेटेबल इश्यूज। पाया चंद्रगुप्त टू के समय भारत आया, बिल्कुल सही बात है। उसने चंद्रगुप्त टू को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है, अब बताइए गलत क्यों है। फाइन, कमेंट में बताएंगे आप लोग मुझे। जैसे सवाल बिल्कुल वैसा ही जैसा बोलते हैं हम मॉडर्न वाले पीरियड में मेगास्थेनीज को लेकर, कि अर्थशास्त्र में कहीं पर भी कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। ये सवाल 2020 में आया था आपका, असर्शन में और रीजन में, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको, और क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल काफी आ रहे हैं 2020 में, बैक टू बैक आपके 19 सवाल आए थे क्रोनोलॉजी के ऊपर, ध्यान रखिए इस चीज का। तो आर्यभट्ट है, लगत की बात हो रही है, ब्रह्म कुमार है या वाराहमिहिर, तो बताना कि सही वाला कौन सा, बताइए। खगोल विद्या की बात हो रही है, ध्यान रखें यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स की बात हो रही है। तो पहले कौन आता है, आर्यभट्ट आते हैं, वाराहमिहिर आते हैं, तो जिसको गोल्डन एज पता है वाराहमिहिर को यहाँ पर क्लिक कर सकता है, ठीक है। फोर को आप देख रहे हैं कहाँ पे है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब है, पहले कौन आता है यहाँ पर, ठीक है, लगत आते हैं नंबर वन पे, फिर आते हैं आर्यभट्ट, फिर आते हैं आपके वाराहमिहिर, उसके बाद आते हैं आपके ब्रह्मगुप्त, ठीक है। राइट आंसर। सवाल नंबर 15, कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आर्यभट्ट ने दो किताबें लिखी हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। मैं सब फॉलो, राजा का नाम और बिरुद बताना है कौन सा है। नरसिंह वर्मन वन, कुलोत्तुंग की बात हो रही है, नंदी वर्मन, पुलकेशिन। कुलोत्तुंग को और पुलकेशिन में, जब मैंने साउथ इंडियन हिस्ट्री पे आपका लिया था मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, तब मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। देखिए सही वाला जवाब कौन सा है आपका, बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बी की अगर आप बात करेंगे तो बी क्यों सही होगा, ये देखिए बी वाला, ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 3 है, राइट। तो ए का क्या हो जाएगा, वापी कोंडा, ठीक है। बी का 4 हो जाएगा, ये देखिए शुंग मतवृतक की बात हो रही है, तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, ये वाला शुरतुंग। सी का 1 है नंदी वर्मन, 3 को हम यहाँ पे तिलारेरिंद के नाम से जानते हैं, डी का यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं आप। मुझे बताइए जरा कमेंट, डी का सॉरी 3 है यहाँ पर, सत्याश्रय है, राइट। आप मुझे कमेंट बुक बॉक्स में बताइए पुलकेशिन 2 जो थे उनके दरबारी कवि का क्या नाम था और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। सवाल रिपीट कर रहे हो, दरबारी कवि कौन थे पुलकेशिन 2 के और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, सवाल मैं पहले भी करवा चुकी, जवाब आपको देना है, तो बी विल बी द राइट आंसर, ओके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एस आर एस नहीं, मेरा कोड रहेगा, कोड मेरा कहाँ एप्लीकेबल है, ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है, तो इसको आप यूज़ कीजिए। प्लस का बैच 11 तारीख से लॉन्च हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच। एनालिसिस कीजिए, रिकॉर्डेड सेशंस है ये, तो जवाब यहाँ पे लाइव नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड में जो कमेंट है वहाँ पर अपने सवालों को लिखकर जाएं और बताएं कि कहाँ पर क्या समस्या आपको आ रही है और आपकी क्या क्वेरीज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।